अपने 68वें जन्मदिन मौके बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि उन्होंने पार्टी आने वाली विधानसभा और लोग सभा चोणों में गठजोड़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि बसपा सिर्फ पंजाब में गठजोड़ रखे क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के गठजोड़ कारण उन्होंने वोटिंग फीसदी वधी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रधान उत्तर प्रदेश की सबका मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैल्ट पेपर राही चोणा करवाने की मांग करती हैं। इस ही उन्होंने इस साल कई राज्यों में होने वाली विधानसभा चोणों से अगले साल लोग सभा चोणों में अपने दम से चोणा लड़न का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि देश में ईवीएम राही चोणा करवाने को लेकर लोगों में कई तरह के खशे हैं और बेहतर होगा कि इन्हें खत्म कर दिया जाए। कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के लिए अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है।